आज आपको दिखाते हैं बहुत ही न्यू और इजी वे में चिकन शामी टिक्कियां बनाने का तरीका। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो गाइस, अपना स्टेप नंबर वन ये है कि आधा किलो हम चने की दाल लेंगे, उसे प्रेशर कुकर नहीं लगाएंगे, हमने इसे 5 घंटे पहले भिगो के रख लेना। तो गाइस, दाल को हो चुके हैं 5 घंटे, अब हम इसमें आधा किलो चिकन ऐड कर देंगे। डिपेंड ऑन, आप ज्यादा या कम भी ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करने की। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सूखा धनिया पीसा हुआ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी जायफल, थोड़ी सी जलवत्री और एक बड़ी इलायची, ये सब इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कटा हुआ प्याज और एक लहसुन पूरा छीला हुआ। तो गाइस, अब हम एक अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसे अच्छी तरह कद्दूकश कर लेंगे। और ये रेसिपी बहुत ही न्यू है, जो हमारी ट्रेडिशनल खानदानी रेसिपी है, इंशाल्लाह वो भी कभी शेयर करेंगे। अब धीमी आंच पे इसे हम पका लेंगे बगैर ढकने के। जब पहला उबाला आ जाएगा उसके बाद ढकना देके इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से दाल अपनी पक चुकी है। अब हम इसमें से चिकन रिमूव कर देंगे और मोटे मोटे मसाले बाहर निकाल देंगे। दाल को अच्छे तरीके से हम घोटा लगा लेंगे, इसे हम फेंके रख देंगे। अब बारी आती है, एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और जो चिकन हमने निकाला था वो इसमें ऐड कर देंगे। एक चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ी सी दादर मिर्च, इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्च और उसके साथ शान का तिक्का मसाला। अब अच्छे तरीके से हम चिकन को मैश कर लेंगे ताकि मसाला इसके अंदर रच बस जाए। साथ में ऐड करेंगे एक मीडियम कटा हुआ प्याज, अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे, ये ज्यादा खुश्क ना हो। अब हम इसे अपने दाल में दोबारा से ऐड कर देंगे। एट दिस पॉइंट हम अगेन नमक को चेक करेंगे, हमने थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा व्हाइट नमक ऐड कर दिया। और अब नीचे आग लगा के इसे अच्छे तरीके से हम घोटा लगाते रहेंगे। घोटा इतनी देर लगाना है कि जब आप देखें कि नीचे पानी खुश्क हो चुका है तब हम इसे रोक देंगे और इसे अब हम ठंडा करने रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मटेरियल ठंडा हो चुका था, इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया। और अब बारी आती है इसे टिक्कियों की शेप देने की। इसे दिल वाला डिजाइन दो या स्टार वाला दो। अब बारी आती है जी अपनी शामी टिक्कियों को हम फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले ये एक पैन के अंदर हम ऑयल डाल लेंगे। तो भाई, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है हम साथ साथ चटनी भी रेडी कर लेते हैं। ग्राइंडर में हम थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेंगे, सॉरी हरी धनिया। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे आमचूर पाउडर और ये थोड़ी सी शक्कर ऐड कर देंगे। अगर शक्कर नहीं है तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सौंफ, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अदरक का पाउडर, ये सारा चटनी के लिए हम ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, अपना चटनी का पेस्ट रेडी है और ये दही में ऐड करेंगे और अब शामी बनाने का भाई मजा आएगा। तो गाइस, शामी को फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले ये 2 eggs ले रहे हैं और उसके अंदर हम 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। इसके अंदर हमने 1/2 teaspoon जो है वो काली मिर्च भी ऐड की है। अभी मुझसे टाइम लैप्स बन गया था तो वीडियो बहुत ही स्पीड में निकल गई। और ये देखिए अपने शामी कबाब कितने खूबसूरत किस्म के हैं। ये देखिए अम्मी ने नगेट्स में भी बनाए हैं, स्टार्स में, ये फिश टॉफी डिजाइन में, दिल में भी। और अब हम इसे साथ साथ फ्राई करेंगे, बच्चों के लिए भी बहुत ही प्यारे ये लगेंगे। ये ले जी, ये एग के अंदर हम ऐड करेंगे, जैसे गुलाटी देखे, ये देखें जबरदस्त अड्डे। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से भाई 2 मिनट के अंदर शामी कबाब रेडी भी हो चुके हैं। हाय हाय हाय। तो भाई ये नीचे टिश्यू भी रख लेना, उससे ये होगा ऑयल जो है वो थोड़ा उसके अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये दिल वाली टिक्की मेरी, तुसी तोड़ देना, मैनू पता है।